खबर बेतुल से आपको बता दें, जहां फाल्गुन मेले को बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। वहीं बता दें कि हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर यह हमला किया है। वहीं पुलिसकर्मियों पर हमले का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पेंसदेही थाना क्षेत्र के सियार गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है। बता दें कि इस हमले में 4 जवान घायल हुए हैं। बेतुल से जानकारी आपको दे रहे हैं। ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप वीडियो भी इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ग्रामीणों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है। और इस हमले में आपको बता दें कि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी को ग्रामीण पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस हमले में आपको बता दें कि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अमित पवार इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अमित, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर जोरदार हमला किया है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर अभी मिल पा रहा है? जी, आपको बता दूं कि ये जो लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश जारी कर दिए गए थे कि तमाम होली के बाद लगने वाले फागुन के जो मेले हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी ये भैंसदेही क्षेत्र के गांव सियार में एक मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर पुलिस कर्मियों को इसकी सूचना लगी तो 4 पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे और जो मेला था वहां पे जो भीड़ भाड़ लगी थी उसे हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन यहां पर कुछ असामाजिक तत्व जो नशे की हालत में थे उन्होंने यहां पर पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडों से पीटा गया। लेकिन यहां पर कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने बीच बचाव पुलिसकर्मियों का किया और उन्हें वहां से हटा दिया। और इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों को काफी चोट आई है। देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी इस तरह के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं निचले तबके के जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी लापरवाही इस तरह सामने आई है, उसी की वजह से ये आज घटना घटित हुई है। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले पर देखा जाए तो अब ग्रामीणों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इस मामले को लेकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो भैंसदेही टीआई है वो भी इस मामले को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वीडियो अभी सामने आया है और इसकी पूरी जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस विभाग के वक्त ये मामले को छुपाना चाह रहे हैं कि ये दब जाए और ये कहीं कोई ये घटना सामने नहीं हुई है, इस तरह की बातें सामने अभी आ रही है। बिल्कुल, तस्वीरों में तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बात की जाए तो 4 पुलिसकर्मी इस पूरे हमले में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर क्या अभी मिल पा रहा है? जी, इसको लेकर जिस तरह से वीडियो सामने आया है उसको लेकर तो यह माना जाए कि कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर भी अब देखने का ये होगा कि पुलिस विभाग के अधिकारी किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई कर